तो आज की इस वीडियो में आपको शर्ट के रिंग बटन कैसे लगाते हैं वो आपको लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। लगा रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे सफ़ेद वाले बटन होते हैं ना, उसको मोती वाले बटन भी बोलते हैं, और लगाते हैं वो फूट जाते हैं। इसका भी तरीका बताऊंगा, ये हमारा क्यों फूट जाता है और किस तरीके से लगाना है। दोस्तों हमें क्या क्या सामान की जरूरत होगी, तो दोस्तों ये हमारी दो डाई है, इसकी जरूरत होगी, और हमारे ये बटनों की जरूरत होगी, और एक इस तरीके के गुटके की जरूरत होगी, और दोस्तों जो हमारा पैंट का कपड़ा नीचे बचता है जींस का, उसको की जरूरत होगी, और एक यहाँ से हमें ये बटन को ठोकने के लिए आवश्यकता होगी दोस्तों। दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से ठोकना है, लेकिन ठोकने से पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों ये है ना, इसको काज बोलते हैं दोस्तों, इसमें गड्ढा होता है, इसको काज बोलते हैं, और दोस्तों इसको बोलते हैं बटन, इसको बटन बोलते हैं, और दोस्तों ये मोती वाला बटन है, इसमें ये दांती नहीं होती है, इसको भी हम रिन दांती वाली रिन बोलते हैं। ये दो तरीके की है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे ये बटन लगेंगे, जो इस तरीके के ये बटन हैं, ये बटन लगेंगे, ये बाहर की साइड लगेंगे, और ये लगेंगे, ये अंदर की साइड लगेंगे, जहाँ पर हमारी ये फैशन पट्टी होती है उसके अंदर की साइड में लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बाजू पे लगाना बता देता हूँ कि बाजू पे किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों बाजू में लगाने के लिए हमारी ये चौक पट्टी है, उस साइड में हम काज करते हैं, तो काज करते हैं उस साइड में। तो दोस्तों काज कौन सा है, काज ये है, तो ये हम लगाएंगे, और ऊपर से दोस्तों ये लगाएंगे, तो यहाँ पर हम कप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसको दबा देंगे। ये हमने दबा दिया है, और ये कपड़ा नीचे रख लेना है इस तरीके से, और ये काज ले लेना है इस तरीके से, ठीक। और उसके ऊपर यहाँ पर दांती है ना, उसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद में ये डाई ले लेंगे, जो ये उभरी हुई होती है ना, ये डाई ले लेंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम पिटाई कर देंगे एक गोबर इस तरीके से, ठीक दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा बटन है ना, ये दोस्तों फूटता भी नहीं है और लग जाता है दोस्तों, ठीक दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ से हम निशान लगा देंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो पेन से भी निशान लगा सकते हैं, चौक से भी लगा सकते हैं, इसके बराबर में हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, और ये हमारा रिन है, ये अंदर की साइड लगाएंगे, और लगाने के बाद में इसको इस तरीके से दबाएंगे, और दोस्तों ये हमारा बटन है, ये बाहर की साइड आएगा, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में दोस्तों ये खड्डा वाला हमारी डाई होती है ना, ये खड्डे वाली डाई, ये इसके ऊपर रखेंगे। दोस्तों ये बटन का है ना भाग, ये उभरा हुआ होता है, और ये डाई है, इसमें ये गड्ढा होता है, तो इस तरीके से इसमें फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद में इस तरीके से पिटाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे बाजू में बटन है वो लग जाते हैं, दूसरी बाजू में भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, ये हमारी फैशन पट्टी है, उस साइज में लगाना है, और यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से दबा देंगे इस तरीके से, और ये दांती सी है ना दोस्तों, ये हमारी की। उसके बाद में ये काज ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम फैशन पट्टी, हमारी जो ये पट्टी होती है ना, इसको चौक पट्टी बोलते हैं, उस साइड हमारा काज होता है, तो इसको काज बोलते हैं दोस्तों, आज समझ लेना, ये गड्ढा सा होता है ना, इसको हम काज बोलते हैं, और यही हमें जो काज करते हैं उस साइड में लगाते हैं। तो अच्छे से दोस्तों ये दांती है बाहर निकाल लेना है, और दोस्तों हमें बटन को ये देख लेना है, ये साइड में यहाँ पर राउंड में है, और अंदर की साइड में ऐसे बना हुआ है दोस्तों, उस साइड से रखना है, इस साइड से नहीं रखना है, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से इसको रखेंगे, और इसमें फंसा लेंगे, और ये डाई है, ये डाई इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से, और रखने के बाद में इसकी यहाँ से पिटाई कर देंगे। दोस्तों हम ज्यादा पिटाई नहीं करेंगे, नहीं तो दोस्तों हमारी काज है ना, ये फूट जाते हैं दोस्तों, ये बटन है ना, ये फूट जाते हैं दोस्तों, और यदि हम इस यहाँ पर रख के लगाएंगे तो ये अवश्य फूटेंगे, और ये लगा के लगाएंगे तो ये फूटेंगे नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है।
और फिर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ये रिंग ले लेंगे, ये अंदर की साइड में लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से दबा देंगे। दबाने के बाद में ये बटन है ये ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, और ये डाई लेंगे गड्ढे वाली और इसके ऊपर रख देंगे, और यहाँ से इसकी डाई कर देंगे, और ये इस तरीके से हमारे दोनों बाजुओं में है वो बटन लग जाते हैं। और लगाएंगे शाम की सामने की पट्टी में किस तरीके से लगाते हैं। तो लगाने से पहले दोस्तों हमें निशान करना होता है, तो हम इसमें निशान करेंगे। तो निशान कैसे करेंगे दोस्तों, नीचे की साइड में तो हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ऊपर से लगा लेंगे हम यहाँ पर डाई पर, और इसका भी सेंटर देख लेंगे, ये 17.5 आ रहा है, 17.5 का ये 8.5 पर लगा लेंगे, और इसका 4.25 लगा लेंगे सेंटर, और इस पर ये दोस्तों 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर लगा लेंगे 4.25। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 और एक हम यहाँ लगा लेंगे, 6 बटन लगा लेंगे, और 2 बाजुओं में तो 8 हमारे बटन लगते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे बटन लगते हैं, और बटन है दोस्तों ये हमें को बार की साइड लगे, जो ये बटन है ये बार की साइड आएंगे। तो दोस्तों हम अंदर की साइड में यहाँ से इस तरीके से जो निशान है ना वो अंदर की साइड में हम ये रिन लेंगे, ये वाला रिन लेंगे, और यहाँ पर जो निशान लगाया है ना दोस्तों वहां पर हम इस तरीके से रख के, और यहाँ से दबा लेंगे, और दबा के और इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, और ये गड्ढे वाला होता है इसको यहाँ पर रख के और इसकी यहाँ से पिटाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमें लगाते जाना है, ये निशान है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से दबा देंगे, ये अपने आप ये दबाएंगे नाखून से, तो ये जो दाती सी है बाहर आ जाती है, और फिर ये बटन लेंगे इसके ऊपर यहाँ रखेंगे, और फिर यहाँ से इसको पिटाई की सहायता से यहाँ पर इस तरीके से इसकी पिटाई कर देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरा बटन तीसरा बटन इसी प्रकार से हमें ये लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से रखेंगे, और जो हमारे निशान है उसके ऊपर ये आएंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, इस तरीके से ये लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये बटन लगा लिए हैं, और अब आपको मैं इसको बताऊंगा कि आगे किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हम बराबर में रख लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर बराबर में पकड़ लेंगे इस तरीके से, और पकड़ने के बाद में यहाँ पर दोस्तों ये एहसास होगा हमारा कि ये बटन यहाँ से आ रहा है, तो एक निशान हम यहाँ लगा देंगे, दूसरा निशान हम यहाँ लगा देंगे, और तीसरा निशान हम यहाँ लगा देंगे, और चौथा निशान हम यहाँ लगा देंगे, और पांचवा निशान हम यहाँ लगा लेंगे, छठवां यहाँ इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमने निशान लगा लिए हैं, और हम लगाएंगे अब इसमें जो हमारे फैंसी वाले बटन हैं ये ऊपर दिखाई देंगे वो लगाएंगे, ये बटन हम जो निशान लगाया है उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको नाखून से दबाएंगे, और ये हमारे काज हैं, ये काज हैं, तो इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और ये उभरे हुए स्थान होता है दोस्तों डाई का, और इसके अंदर देंगे इस तरीके से,
और यहाँ पर हम इसकी कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमें ये लगा लेना है, ज्यादा इसको पीटना नहीं है, नहीं तो दोस्तों ये हमारे बटन हैं ये फूट जाएंगे। और यदि आप इस तरीके से ये लगा के कपड़ा और फिर इसको लगाएंगे तो दोस्तों ये हमारे बटन हैं ये टूटेंगे नहीं। दोस्तों यदि हम नहीं लगाएंगे तो ये बटन है टूटने का डर रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से इसको लगा लेना है, जहां पर हमने निशान लगाया है उसे उसे उसके ऊपर हमें लगा लेना है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करना, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये हमारे 3 बटन और हैं दोस्तों, ये भी हमें इसी प्रकार से लगा लेने हैं जिस प्रकार से हमने पहले लगाए हैं दोस्तों। तो इसको भी हम जल्दी से आपको लगा के बता देते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम ये लगा के और फिर निशान लगाते हैं, तो दोस्तों हमारे जो बटन हैं वो आगे पीछे भी नहीं रहते हैं। और आप एक बार इस तरीके से लगा के देखिए, आपके बटन हैं वो आउट भी नहीं होंगे और सही तरीके से लग जाएंगे लोगों। तो दोस्तों ये कैसी लगी हमारी ये वीडियो, ये हमने सभी बटन लगा लिए हैं दोस्तों, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।